Hello kids. Welcome to PS Classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. Hello bachcho. How are you all? Mera naam hai Pinky Singhal aur main hu aapki mother teacher. Aur aaj hum kaun sa alphabet seekhne wale hain? Aaj hum seekhne wale hain alphabet P. Aur ye mujhe bahut acha lagta hai kyun? Kyunki mera naam shuru hota hai P se. Ab dekhiye aapka naam kaun se alphabet se shuru hota hai? ओके चल तो करेंगे पी से रिलेटेड एक्टिविटी में क्या देखेंगे उसका कॉम्बिनेशन उसकी शेप लिखेंगे उसको अपनी नोटबुक पे और रिवाइज करेंगे हमारे पिछले अल्फाबेट्स और सीखेंगे पी का साउंड पी हमको कौन सी साउंड देता है या पी की आवाज क्या है वो हम सीखने वाले हैं ठीक है बच्चा ओके तो चलिए एक्टिविटी में क्या करते हैं बेटा आपको पता है इसको कलर करना है कट करना है पेस्ट करना है और बनानी है अपनी क्राफ्ट बुक और कट कैसे कर रहे हैं अकेले नहीं करना है पेरेंट्स की हेल्प के साथ यहाँ घर में जो भी आपके बड़े हैं उनकी हेल्प लीजिए और इसको करिए कट ओके चलिए अब हम देखते हैं हमारा कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास खड़ी है एक स्टैंडिंग लाइन और साथ में क्या है एक लेफ्ट कर्व यहाँ से स्टार्ट होके किस तरफ जा रहा है बेटा लेफ्ट की तरफ तो इसलिए एक स्टैंडिंग लाइन और एक लेफ्ट कर्व की हेल्प से हम बनाते हैं हमारा अल्फाबेट पी ओके तो पी की शेप कैसे रहती है एक स्टैंडिंग लाइन और एक लेफ्ट कर्व फाइन बच्चा चलिए नेक्स्ट क्या है हम इसको अपनी नोटबुक पे कैसे लिखते हैं देखिए आपकी नोटबुक पे ऐसे लाइंस लगी है अब इस पे हम अपना पी कैसे लिखेंगे तो पहले हम कर लेते हैं अपना डॉट और मैंने आपको बताया था ना बेटा 1 2 3 इस लाइन से नीचे नहीं जाना तो चलिए एक डॉट बिल्कुल इसके पैरेलल हम इधर भी लगा लेते हैं कि हमको इस लाइन से नीचे नहीं जाना है तो एक स्टैंडिंग लाइन और एक लेफ्ट कर्व यहां से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो बन जाएगा हमारा चलिए नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन और कर्व कहाँ जाएगा लेफ्ट की तरफ यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ फिर से एक स्टैंडिंग लाइन और एक करेंगे कर्व लेफ्ट की तरफ हो गया हमारा पी ओके बच्चा तो ये है हमने अपने अल्फाबेट पी को अपनी नोटबुक पे कैसे लिखना है और अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे हमारा पी का साउंड पी कौन ये इस अल्फाबेट का नाम क्या है पी क्या नाम है पी और ये साउंड कौन से दे रहा है वो हमको देखना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम देखते हैं इमेजेस और देखेंगे उनके नाम भी पी से ही शुरू होंगे पर वो साउंड कौन सी देंगे वो तो हम फाइंड आउट करेंगे तो चलिए इमेजेस देखते हैं बेटा चलिए सबसे पहले ये अरे कौन है ये बहुत प्यारा सा बर्ड कौन सा बर्ड है ये पैरेट चलिए नेक्स्ट ये कौन सा बर्ड है ये भी बहुत ब्यूटीफुल होता है और आपको एक चीज और बताती हूँ ये हमारा नेशनल बर्ड है हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो हमारा नेशनल बर्ड है ये क्या नाम है इसका पीकॉक प प पीकॉक प प पीकॉक वाओ गुड गुड चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं बेटा ये नेक्स्ट क्या है ये फ्रूट कौन सा फ्रूट है ये पपाया प प पपाया प प पपाया गुड नेक्स्ट नेक्स्ट अरे ये भी फ्रूट है कौन सा फ्रूट है ये बेटा और हमें सारे फ्रूट्स खाने चाहिए ओके सभी फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं और हमको वो क्या रखते हैं वो हमें भी हेल्दी हेल्दी रखते हैं तो इसलिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए ये कौन सा फ्रूट है पाइनएप्पल प प
चॉकलेट दाने होते हैं बहुत अच्छे अच्छे से, बहुत टेस्टी से और बहुत सुंदर भी दिखते हैं, एकदम रेड रेड से। क्या है ये, कौन सा फ्रूट है? पॉमीग्रेनेट, अनार। पॉमीग्रेनेट, प प पॉमीग्रेनेट, प प पॉमीग्रेनेट। गुड, चलिए। तो अब बेटा देखा आपने, जितनी भी पिक्चर्स आपने देखी, इमेजेस आपने देखी, इनके नाम तो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मेरा नाम भी पी से स्टार्ट होता है, मेरा नाम क्या है, पिंकी, प प पिंकी। और इनके नाम भी प से शुरू होते हैं, प प पैरेट, प प पीकॉक, प प पपाया, प प पाइनएप्पल, प प पोमीग्रेनेट। फाइन बेटा, तो इनका जो नाम है अल्फाबेट का, इस अल्फाबेट का जो नाम है वो तो पी है, पर साउंड क्या देता है, प की। ओके बेटा, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको राइम्स की तरह गा के याद करने की कोशिश करते हैं ताकि इसके साउंड को हम अच्छे से याद कर सके। ओके, चलिए। प प P says P, P says P, as a parrot, as a parrot. P says P, P says P, as a peacock, as a peacock. P says P, P bole P, as a papaya, as a papaya. P says P, P says P, P बोले प एज ए पाइनएप्पल, एज ए पाइनएप्पल। पी सेस प, पी सेस प, एज ए पोमीग्रेनेट, एज ए पोमीग्रेनेट। पी सेस प, पी बोले प, पी सेस प। वेरी गुड। तो पी का साउंड क्या हुआ, प। पी का साउंड क्या हुआ, प। पी हमें कौन सी साउंड देता है, प की साउंड। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवाइज करेंगे हमारे पिछले अल्फाबेट्स को और उनके साउंड्स को। तो चलिए रिवाइज करते हैं। चलिए बेटा, अब हम रिवाइज करेंगे हमारे पिछले अल्फाबेट्स को, उनके नेम को और उनके साउंड को। मैंने आपको बताया ना, जैसे अल्फाबेट होता है, एक होता है उसका नाम और दूसरा होता है उसका साउंड। तो हम करेंगे रिवाइज इनके नेम को और रिवाइज करेंगे इनके साउंड को। चलिए रिपीट करते हैं बेटा। ए सेज अ, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड, ई सेज अ, एफ सेज फ, जी सेज ग, एच सेज ह, आई सेज ई, जे सेज ज, के सेज क, L says L, M says M, N says N, O says O, P says P. Okay बच्चे, तो ये क्या था, इनके नेम और इनका साउंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें पढ़ेंगे सिर्फ इनके साउंड्स के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Nest,
हमारे अल्फाबेट, उनके साउंड, आप इनको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करिए बेटा, इनके साउंड्स को अच्छे से याद करिए। अब बहुत जल्दी हम अपने अल्फाबेट्स ख़त्म करने वाले हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वर्ड्स, ओके? तो तब तक बेटा इनको अच्छे से याद करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।